नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के आवेदन को लेकर जारी की तारीख। बिहार के हर थाने में होगी महिला पुलिस की तैनाती। बिहार में आने वाले 3 दिनों तक चिलचिलाती धूप से कोई राहत नहीं। मूल्यांकन से नाखुश छात्रों के पास होगा अब यह खास विकल्प। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने 12वीं पास के लिए निकाली भर्तियां। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कुल मिलाकर 42 वैकेंसी निकाली है। इनमें जूनियर असिस्टेंट के 30, सीनियर असिस्टेंट के 8 और जूनियर अकाउंटेंट के 4 पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार nat.board.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2021 से शुरू होगी। अंतिम तारीख 14 अगस्त तय की गई है। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना, सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन, जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। बिहार में कोविड-19 के मिले 1000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 991 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,308 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 52, अरवल में 4, औरंगाबाद में 12, बांका में 3, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 16, भोजपुर में 5, बक्सर में 9, दरभंगा में 23, ईस्ट चंपारण में 40, गया में 6, गोपालगंज में 19, जमुई में 7, जहानाबाद में 2, कैमूर में 6, कटिहार में 26, खगड़िया में 25, किशनगंज में 27, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 34, मुंगेर में 31, मुजफ्फरपुर में 47, नालंदा में 8, नवादा में 41, पटना में 143, पूर्णिया में 51, रोहतास में 5, सहरसा में 26, समस्तीपुर में 55, सारण में 41, शेखपुरा में 4, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 20, सिवान में 51, सुपौल में 46, वैशाली में 22, वेस्ट चंपारण में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,090 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 113,446 सैंपल की जांच की गई है। बिहार के कई जिलों में मनरेगा सामग्री में हुए खर्च की जांच का जारी हुआ आदेश। सरकारी जानकारों के अनुसार राज्य के कई जिलों में मनरेगा योजना के तहत किए जाने वाले काम में काफी ज्यादा लापरवाही देखने को मिली है। आवंटित बजट में सामग्री मद के अनुपात से अधिक की धनराशि खर्च कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षा में इसको पकड़ा है। इस मामले की जांच के लिए डीएम की टीम बनाकर जांच रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, मनरेगा योजनाओं में मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 के हिसाब से होता है, यानी यदि 100 रुपए जारी होते हैं तो 60 रुपए मजदूरी पर खर्च होंगे। वहीं 44 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सामान आदि पर खर्च किए जाएंगे। हालांकि समीक्षा में पाया गया कि कुछ प्रखंडों एवं जिला स्तर पर कुछ जिलों में यह अनुपात बरकरार नहीं रखकर सामग्री मद में 40% से अधिक राशि व्यय किया गया है। बिहार के शेरशाह सूरी मकबरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है और लगभग वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। बिहार के हर थाने में होगी महिला पुलिस की तैनाती। बिहार के हर एक थाने में महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार ने बीते दिन हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत ही क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है कि सभी थानों में महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया जाए। इससे थाने में आकर शिकायत करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी शिकायतों का समाधान भी ठीक तरीके से हो पाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्देश को अब बिहार पुलिस के अंदर महिला सशक्तिकरण के ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सभी जिलों में तैनात एसडीओ और एसडीपीओ को 15 दिन में एक बार बैठक करने का आदेश जारी किया गया है, जबकि अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को हर हफ्ते नियमित रूप से बैठक कर जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा करने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में आने वाले 3 दिनों तक चिलचिलाती धूप से कोई राहत नहीं। बिहार में अब गर्मी की मार पड़ने वाली है। राज्य के लोगों को अब चिलचिलाती धूप से आने वाले 3 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी का सिलसिला बिहार में अभी देखने को मिल सकता है, तो चिलचिलाती धूप का असर राज्य के सभी जिलों में रहेगा। मॉनसून आने के बाद ही अब बिहारवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी तापमान और बढ़ेगा। अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही बिहार में लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने सभी लोगों से लू से बचने की अपील की है।
एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को गंगा में डूबने से बचाया। बीते दिन राजधानी पटना के आलमगंज स्थित गायघाट में नाव पलट गई थी और इस दौरान नाव पर सवार 11 लोग नदी की धारा के साथ बहने लगे थे। हादसे को देखते हुए पुलिस सहित एनडीआरएफ की टीम 11 लोगों में से 10 लोगों को बचाने में कामयाब हुई। हालांकि खबर लिखे जाने तक एक व्यक्ति की खबर नहीं मिली थी, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। मामले में बताया गया कि महात्मा गांधी सेतु पुल के पाया नंबर 43 के पास एक नाव जो कि बालू से लदा हुआ था, वो अचानक ओवरलोड होने के कारण नदी में पलट गया। इस दौरान लगभग 11 लोग सवार थे, जो नाव पलटने के साथ ही गंगा की तेज लहरों में समा गए। जमुई में 105 वर्ष की हेमिया देवी ने लिया टीका। जहां एक तरफ ग्रामीण इलाके में टीकाकरण को लेकर काफी तरह के भ्रम को देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के गुगलडीह निवासी 105 वर्षीय महिला हेमिया देवी ने टीका लगवाकर उदाहरण पेश कर दिया है, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने खुद साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि औरों के लिए नजीर पेश करने वाली 105 वर्षीय महिला द्वारा कोविड-19 का टीका काफी उत्साह के साथ लगवाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि 45 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को कोविड-19 का टीका जरूर लगवाना चाहिए, ताकि वो वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से खुद को बचा सके। मीठापुर बस स्टैंड की 8 एकड़ जमीन पर बनेगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भवन। राजधानी पटना के बीचों बीच स्थित मीठापुर बस स्टैंड 15 जुलाई से पूरी तरीके से बंद होने वाला है, जिसके बाद ही बैरिया स्थित नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से सभी यात्री बसों का परिचालन किया जाएगा, जिसके बाद मीठापुर बस स्टैंड की खाली हुई जमीन पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भवन बनाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 8 एकड़ जमीन को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित करने की रिपोर्ट पेश की है। खबरों के बारे तो जिला प्रशासन इस जमीन की प्रकृति सहित अन्य विस्तृत जानकारी के साथ नगर विकास विभाग को रिपोर्ट दे चुकी है। विभाग से मिलने के बाद जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा। बिहार में जल्द ही दूर होगी मेडिकल स्टाफ की कमी। बिहार में मेडिकल स्टाफ की कमी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत कौशल विकास केंद्र में चिकित्सा क्षेत्र के 6 विधाओं का प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA एडवांस क्रिटिकल केयर होम हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक फ्लेबोटोमिस्ट मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट शामिल है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जुवेश कुमार ने बताया कि देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है, इसे लड़ने के लिए अनुभवी सेवकों की जरूरत को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद फिर कोविड अस्पताल में उन्हें जॉब ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिहार में सड़कों की समस्या बहुत जल्द होगी दूर। बिहार में सड़कों की समस्या को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। खबरों की माने तो ग्रामीण कार्य विभाग बहुत जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज पाल ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी एकत्रित की जाएगी। किसी भी ग्रामीण सड़क की शिकायत या सुझाव राज्य का कोई भी स्थानीय व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से विभाग को दे सकेगा। आपको बता दें कि जल्द ही इस ऐप की शुरुआत की जाएगी। बिहार विधान परिषद की समितियों का हुआ पुनर्गठन। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा विधान परिषद की समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 34 समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किया गया। ये सभी समितियां 9 जून से प्रभावी हो जाएंगी। पुनर्गठित नियमावली समिति के अध्यक्ष सभापति अवधेश नारायण सिंह बने हैं। राबड़ी देवी, नवल किशोर यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, केदारनाथ पांडे, रामचंद्र पूर्वे, प्रोफेसर डॉक्टर राम वचन राय, डॉक्टर मदन मोहन झा, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सदस्यों के तौर पर जगह मिली है। मूल्यांकन से नाखुश छात्रों के पास होगा अब यह खास विकल्प। कोविड-19 के माहौल को देखते हुए CBSE ने 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अगर कोई ऐसे छात्र है जो अपने मूल्यांकन से खुश नहीं है, तो ऐसे छात्र के पास एक और विकल्प पेश किया गया है, जिसके तहत अब जो भी छात्र बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मूल्यांकन से खुश नहीं है, वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए परीक्षा का आयोजन कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने के बाद किया जाएगा। तब तक छात्रों को इंतजार करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी ने 12वीं के रिजल्ट की घोषणा को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने दुनिया को कहा अलविदा। 101 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। जानकारों की माने तो उन्हें मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे यह वाकया हुआ है, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिवंगत राम संजीवन ठाकुर ने अंग्रेजों का जुल्म देखा था। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की कमान मुजफ्फरपुर में संभाली थी। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी से राम संजीवन ठाकुर को ताम्रपत्र सम्मान भी मिला था।
पटना जंक्शन राजस्व देने के मामले में आया पहले नंबर पर। राजस्व देने के मामले में पटना जंक्शन ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में पहले स्थान पर पटना और फिर दानापुर और उसके बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन जगह बनाने में कामयाब हुआ है। चौथे स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पांचवें नंबर पर दरभंगा, छठे नंबर पर गया, फिर पटना जिले के ही दो स्टेशन पाटलिपुत्र सातवें और राजेंद्र नगर टर्मिनल आठवें स्टेशन पर है। इसके साथ ही समस्तीपुर जंक्शन से एक पायदान आगे नौवें स्थान पर धनबाद जंक्शन है, ग्यारहवें स्थान पर बक्सर और बारहवें पर गया जंक्शन है। मिली जानकारी के अनुसार सूची में टॉपर पटना जंक्शन का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक साल भर में प्राप्त राजस्व 250,76,67,565 रहा था। वहीं यहां की यात्री संख्या 63,05,145 रही। कोलकाता से बिहार के रास्ते जम्मूतवी के लिए हफ्ते में 4 दिन चलेंगी स्पेशल ट्रेन। कोविड-19 के मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत ही रेलवे ने बिहार के रास्ते कोलकाता और जम्मूतवी तक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता और जम्मूतवी के बीच 03151, 03152 कोलकाता जम्मूतवी कोलकाता स्पेशल ट्रेन का परिचालन 8 जून से अगले आदेश तक के लिए शुरू किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जम्मूतवी के लिए कोलकाता से खुलेंगी। 10 जून से जम्मूतवी से कोलकाता के लिए यह स्पेशल ट्रेन बुधवार, गुरुवार और शनिवार, सोमवार को चलेंगी। बिहार में अब सस्ते दर पर मिल सकेगी बिजली। बिहार में बिजली अब सस्ते दर पर मिल सकेगी, जिसकी जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्र लिखकर सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार से विशेष कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने 3 नए महत्वपूर्ण पहल से कोयले को बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की बात कही है, जिसके तहत अब CIMFR के अलावा अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों को कोयले के नमूने की जांच करने हेतु कार्य आवंटित किया जाएगा। ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को इन एजेंसियों के सूचीकरण के लिए अधिकृत किया जाएगा। कोयले की गुणवत्ता का नमूना जांच लोडिंग स्थल पर ही किया जाएगा, जिसके बाद विद्युत उत्पादन की लागत राशि में कमी आएगी और विद्युत वितरण कंपनियों को सस्ती बिजली प्राप्त होगी। चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की अभिभावकों से अपील। चमकी बुखार के कई मामले बिहार में अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय भी एहतियातन रूप से काम कर रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चमकी बुखार को लेकर सभी अभिभावकों से गुहार लगाई है, जिसके तहत उन्होंने चमकी बुखार के लक्षण, बचाव को लेकर विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार टिप्स भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट भोजन जरूर खिलाए, रात को बच्चों को सोने के बीच या सुबह उठते तुरंत बॉडी टेम्परेचर चेक करें, साथ ही ये भी देखें कि बच्चा कहीं बेहोश तो नहीं है या उसे चमकी तो नहीं है। शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के आवेदन को लेकर जारी की तारीख। 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से दिव्यांगजन के आवेदन को लेकर तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत 9 जून तक NIC की वेबसाइट पर विषयवार व्यक्ति की सूचना प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद आवेदन पत्र समर्पित करने की अवधि 11 जून से 25 जून तय की गई है। उक्त अवधि में अभ्यर्थी आवेदन पत्र नियोजन इकाई के पास निर्धारित तारीख तक हाथों हाथ या फिर डाक से जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था प्रखंड संसाधन केंद्र पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और BDO की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ होने के बाद तेजस्वी ने उठाया प्रमोशन का मुद्दा। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है, जिसके तहत अदालत ने नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का मौका भी दिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग इसी हफ्ते 2 विशेष शेड्यूल जारी करेगा। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि लंबे अरसे से नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित किया हुआ है। सरकार को संविधान सम्मत न्याय संगत निर्णय लेकर सभी वंचित योग्य कर्मियों को अविलंब प्रोन्नति देनी चाहिए, साथ ही सेवानिवृत्ति मृत कर्मियों को भी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की दिशा में सकारात्मक पहलों। MLC टुन्ना पांडे को मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा। MLC टुन्ना पांडे इन दिनों राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पर लगातार निशाना साध रहे पांडे को अब उनकी पार्टी से ही निलंबित करने की रिपोर्ट मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पांडे को भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि मैं डरने वाला नहीं हूं, सिवान के लोग डरते नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता का हाथ जब मेरे सिर पर है मैं बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा और अपने किसी बयान से पीछे नहीं हटूंगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1984 में सिखों के धर्म स्थल पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब 1659 में आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने 2002 में खारिज किया। अमेरिका ने भारत और चीन को 2008 को निगरानी सूची में डाला। उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 में आज के दिन हुआ था। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी का जन्म 1800
1984 में आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आईपीएल में धोनी के अलविदा कहने को लेकर ऋतुराज गायकवाड़ ने दिया जवाब। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद अब कई लोग उनके आईपीएल से संन्यास लेने पर लगातार सवाल उठाते नजर आए हैं। इसी क्रम में धोनी के आईपीएल से संन्यास को लेकर जब उनके सीएसके के साथी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा गया तो उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, मुझे याद है उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त को अपने संन्यास की घोषणा की थी। उस दिन चेन्नई में हम करीब 10-12 लोग साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। दुबई के लिए रवाना होने से पहले हम लोग साथ डिनर करने बैठे और अचानक मुझे किसी ने कहा माही भाई ने इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि माही भाई ऐसा करने वाले हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाया क्योंकि हम बहुत दुखी थे। कीबोर्ड खराब हो जाने के बाद माउस से भी कर सकते हैं टाइपिंग। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का कीबोर्ड किसी कारणवश खराब हो गया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब माउस के माध्यम से भी आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। जिसके तहत आप स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, इनमें से ईज ऑफ एक्सेस पर क्लिक करें। यहां आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करके कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद आप माउस की मदद से इन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप बोलकर भी टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर के वॉइस नोट टू स्पीच टू टेक्स्ट एक्सटेंशन को डाउनलोड करके जोड़ना होगा। उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो टाइप होता चला जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,960 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,960 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,800 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 96.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.75 रुपए प्रति लीटर। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, अजय सिंह, रामराज, भोला पंडित, चंद्रवली, अभय कुमार, सभ्यता शर्मा, प्रकाश कुमार, बिन्नी कुमारी, प्रणव मुखर्जी, सुभाष कुमार, रीना पासवान, शंकर मुखिया, धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की तरफ से लिए गए फैसले से बिहार की महिलाओं के उत्थान में मदद मिलेगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।